हमारे पास एक मोबाइल है जियो का, इसका मॉडल है F61F। आज इसे फ्लैश करेंगे हम। इस फ्लैशिंग के लिए हमें चाहिए एक टूल, SPD अपग्रेड टूल। USB ड्राइवर चाहिए इसके लिए। अगर USB ड्राइवर नहीं होगा तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगी इसकी PC से, ठीक है। और चाहिए हमें इसके लिए फ्लैश फाइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्लैशिंग कैसे करेंगे इसकी। तो इसके लिए पहले SPD अपग्रेड टूल हम ओपन करते हैं। ये आ गया, इसे खोलना है, ये ग्रीन टिक आ रहा है यहाँ पे, देखिए। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम, ये खुल जाएगा हमारा टूल। अब हमने जो फाइल लोड की है वो यहाँ से लोड होगी। ये हमारी फाइल है इसकी F16F, ये है इसकी पैक फाइल के नाम से आती है .PAC। ये .PAC इसे सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे और ओपन करेंगे। ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन होके आ गई है, ये आ गया यहाँ पे। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक केबल लेनी है, USB केबल, और इसे कनेक्ट करना है इसे। अब इस वाले मॉडल के लिए हमें इसकी बूट की, इसकी है जियो वाली जिस पर जियो लिखा है, ये इसकी बूट की है जियो वाली, इसे प्रेस करना है हमें। कनेक्ट करना है मोबाइल को, इसकी बैटरी रिमूव करके दोबारा लगा देते हैं। प्रेस हमें यही की करनी है इसकी, इस मॉडल के लिए। अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। कैसे पता लगेगा हमें कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहा है, बट हम पोर्ट देख सकते हैं। इसके लिए हम माई कंप्यूटर पे जाएं, मैनेज में चले जाएं। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे ये पोर्ट यहाँ आएंगे। तो आप इस पे देखिएगा पोर्ट बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये पोर्ट बन गया COM6, ठीक है। ये पोर्ट हमारा यहाँ बन गया, बट यहाँ शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे कहेंगे स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्टार्ट हो गया अपने आप। कई बार होता है केबल कनेक्ट हो जाती है, अनप्लग्ड हो गई थी पहले, बट अब स्टार्ट हो गया। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे, और केबल लाइन लाएँ फ्लैशिंग करते हुए। फ्लैशिंग के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो इसके जो इसका प्रोसेसर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका टूल लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो टूल हो, जो इसका प्रोसेसर होगा, उसी के हिसाब से हमें टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टूल हम लें इसके फ्लैशिंग के लिए। इसमें क्वालकॉम का होगा उसमें अलग लगेगा, फ्लैश प्लस में अलग लगेगा, इस तरीके से हम चेक करते हैं। इसके भी अलग अलग वर्जन है, जैसे इसमें वर्जन यह है इसका R17.0.0001, ये है, इससे फ्लैश हुआ है।
तो कभी होता है कि किसी में फ्लैश नहीं हो रहा, तो उससे ये सही देख लो कि हमारा टूल सही है नहीं है, इस वजह से भी आ रहा है टूल की वजह से भी, तो टूल भी आप देख लीजिए करने से पहले कि कौन सा ले रहे हैं, चेंज करके देख लीजिए टूल भी। यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग चलती रही, जब तक पास नहीं लिख के आया था तब तक इसकी फ्लैशिंग, देखो पास लिख के आ गया, फिनिश हो गया। यहाँ पे स्टेटस क्या आया इसका, फिनिश हो गया, ये प्रोसेस पास हो गया हमारा। यहाँ पे टाइम जितना लगा है इसमें, टाइम दिखा दे कितने सेकंड्स लगे इसे का। अब इसे हम ऑन करेंगे मोबाइल को, देखते हैं ऑन होता है हमारा, प्रॉपर नहीं होता मोबाइल तो इसे डिसकनेक्ट कर देते हैं, इसे कनेक्ट इसे क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे इसे, एक बार इसकी बैटरी रिमूव करके दोबारा लगाते हैं। नहीं अभी चेक करते हैं, हुआ नहीं हुआ चेक करते हैं, देखिए होता नहीं हुआ। देखिए ये हो गया हमारा सेलेक्ट लैंग्वेज में, यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे, ओके एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा हो गया ठीक है। ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया, तो इस तरीके से ही फ्लैशिंग होती है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।